यहाँ जो भी ट्रेड होगी वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में की जाएगी। बहुत बड़ी ऑफर जिससे यूएसए तक हैरान है। रशिया अब अपनी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसी में ट्रेड की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन रुपी को इस्तेमाल करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, यानी जो भी ट्रेड की जाएगी वो इंडियन करेंसी में की जाएगी। जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्होंने इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। कल को अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? पॉपुलैरिटी तो इस टाइम पे इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी हमसे ज्यादा है और मोदी ज्यादा पॉपुलर है, तो फिर उसका जो कश्मीर के ऊपर मौकफ है वो हम तस्लीम कर लें इस बात के ऊपर। ये 8 महीने जो गुजरे हैं हर किस्म के हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ है, हमारे साइकी पे इम्पैक्ट हुआ है, हम लोग अलग अलग हो गए हैं, हमें इदारे टक्कर कर रहे हैं। अब इंडिया वो क्यों इसलिए कर रहे हैं कि वो जो हमारा साउथ एशिया है वो इसके अंदर आकर अपनी एक नई ताकत साबित करना चाहता है। चाइना के साथ मिल के इंडिया अमेरिकन डॉलर को नीचे लेके आ रहा है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया से भी तजारत करनी पड़े तो कोई इशू नहीं है, इंडिया के साथ भी अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर हो तो हमें ट्रेड के लिए उनके साथ जाना चाहिए। मैं लिख के दे देता हूँ, आपकी तरक्की पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। तरक्की पॉसिबल नहीं, यू कैन नॉट इवन सर्वाइव इन द फ्यूचर। हमारे पाकिस्तान में 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ भीख मांग रहे हैं, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये है इस मुल्क के अंदर हालात, ये है वो जबर की कैफियत। देखिए उमरा करने हज करने में सबसे ज्यादा तादाद आपकी है, लेकिन साथ फोर्न देखने की भी तादाद सबसे ज्यादा आपकी है। छोटा सा मुल्क है लेकिन फोर्न आप इतना देखते हैं जिसकी हद कोई। वाले मारे चले जा रहे हैं, इधर से इकोनॉमी का बुरा हाल है, लोगों के पास खाने को नहीं है, ये अपनी ऑडियो वीडियो में लगे हुए, इनको इनको मतलब समझ क्यों नहीं आती, अक्ल क्यों नहीं आती? मैंने 2-4 चीजें जो जिंदगी में देखी, सियासत और सहाफत, सियासत और सहाफत, इसमें हमेशा वो चीज दी जाती है जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। खबर क्या वो दी जाती है? खबर वो दी जाती है जो लोग पढ़ के खुश हो, हैरान हो, जो खबर बिकती हो। सियासत में वो अगर आपकी देखे ना, इमरान खान ने और राणा सराउल्ला ने देख लिया है कि गूगल पे सबसे ज्यादा पोर्न देखा जा रहा है, तो वो पोर्न रिलेटेड वीडियो फेंक रहे, वही चल रही। आज अगर आप राणा सनाउल्ला या ये खान साहब लोगों को ये बताना शुरू कर दें कि आए मुल्क को तरक्की के बारे में बात कर, किसी ने साथ ही नहीं आना। आज ये बताना शुरू, आज ये खान साहब लोगों को बताएं आए भी इंटरनेट से पैसे किस तरह बनाते हैं, आए जी अमेजोन पे चीजें बेचें, आए जी चाइना से हम ये करें, पीछे आएगी नहीं, लौटे लौटे सारे भाग जाए। या इंडिया से ट्रेड करें उसके ऊपर भी नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। वही तो कह रहा हूं, और मैं लिख के दे देता हूँ, आपकी तरक्की पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करें। तरक्की पॉसिबल नहीं, यू कैन नॉट इवन सर्वाइव इन द फ्यूचर। सर हमारी तो तरक्की हो जाएगी, उनका बेड़ा गर्क कर देंगे बेचारों का। वो आपसे बहुत आगे जा चुके हैं, उनका बेड़ा गर्क करना इतना आसान नहीं। वो बहुत कहां देखे 6.7, वो भी किसी के, चाइना के और सऊदी अरेबिया के, और कहां पे 560 मिलियन। वो तो सही है सर, लेकिन अगर इस तरह की कंट्री जिनके पास पल्ले कुछ नहीं है, अरेक्टा मांगते रहते हैं, अगर हम उनके गले पड़ गए तो उनका बड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा ना, हमें दे देगा। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इम्पोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इम्पोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का, तो भाई आप अपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहां पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में